विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव रीना जी, आज के शुभारंभ हो रहे डॉक्टर त्रिपाठी आयुर्वेद विधानशाला एवं पंचकर्म सेंटर के संस्थापक, इसको मूल रूप से इसको चालू करने वाले डॉक्टर श्री शंकर त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर लाल साहब और भी हमारे पुराने आयुर्वेद जो कर रहे हैं पूरी वीडियो तमाम सारे सम्मानित विशेषज्ञगण, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं भगवान धन्वंतरी प्रणाम करता हूं उनको। आप सबके तरफ से भी अपने तरफ से उन्होंने एक बहुत बड़ी विधा हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए और ये वसुदैव कुटुंबकम के माध्यम से न केवल हमारी ऋषियों मुनियों की धरती भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विधा को दिया। लेकिन एक ऐसा भी काल आया जो कि इतने महत्वपूर्ण पद्धति धीरे धीरे हमारे देश से काल अवनित हो गई। एक बार दोबारा फिर से ये जब पड़ी है और खासतौर से पिछले 10 साल के भीतर जिस तेजी से आयुष का विकास हमें देश में हुआ है, आयुष यानी इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो हमारे भारत की जो यहाँ की मूल जो औषधि प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सीता हो, ये जो तमाम सारी पद्धतियां जो हमारे देश में पनपी पड़ी, उन सारी पद्धतियों को आगे बढ़ाने का काम जिस तेजी से नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो हम इस पूरी चीज को भूल करके इसे जादू टोने वाली भाषा समझ करके, जड़ी बूटियों वाली भाषा समझ करके हम इसे इग्नोर करते थे, इसे छोटा समझते थे। मैं इसके लिए सबसे पहले तो डॉक्टर त्रिपाठी जी से मैं कहूंगा और उनके साथ ये दुनिया यहाँ पे मांडवी है उनसे कहूंगा, और भी हमारे तमाम सारे लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर जो लिख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने नाम के आगे से डॉक्टर शब्द को हटा दीजिए। आप अपने नाम के आगे वैद्य कहिए, क्योंकि ये जमाना था हमारे जितने भी हमारे देश में जितने भी जनतंत्र राजतंत्र जहां भी हुए उन सबके एक कुल वैद्य हुआ करते थे। जैसे कुल पंडित थे, कुल गुरु थे, वैसे कुल वैद्य भी हुआ करते थे। और वैद्य की जो प्रथा है, वैद्य की प्रथा हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत थी। उस ताकत को महसूस किया जब कोविड जैसी महामारी आई, पूरी दुनिया को हिला दी, तमाम सारी जो स्वास्थ्य का तंत्र जो था जिसके बारे में दुनिया में उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहते थे, वो सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो रही थी। तब हमारे देश में इस आयुर्वेद पद्धति ने या हमारे आयुष के पद्धतियों ने ऐसी नई नई चीजें उसको निकाली जिसके माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को, अपने शरीर के लड़ने की क्षमता को, तमाम किस्म बीमारियों से उसको हमने वृद्धि की, उसका सबने नमूना देखा। पहले बार इतने किस्म के काढ़ा, इतने किस्म के जो है तेल या इतने किस्म की चीजें जनप्रिय हो गई, लोगों को लगा कि अगर हमें जान बचानी है इससे हमारी जान बच सकती है, ये लोगों में विश्वास जागा। तो अब तो कहेंगे जितने भी हमारे, और मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से ही, डॉक्टरों के डॉक्टर त्रिपाठी को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं। जब 1994 में मैं विशेष सचिव हुआ करता था पर्यटन, खेलकूद और नागरिक उड्डयन विभाग का, और ये राजभवन में काम करते थे, तब से मैं इनको जानता हूं। मैं कहूंगा अपने नाम के आगे से डॉक्टर शब्द को त्याग दीजिए, अब आगे वैद्य शिवशंकर त्रिपाठी कहिए। बिटिया तुम यंग हो, तुम वैद्य जो है मांडवी वाजपेयी कहो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक बार मैं BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, एक कार्यशाला में भाग लेने गया। वहां पे हमारे वहां के
वाइस चांसलर भी थे और ये कार्यशाला आयोजित की थी वहाँ के आयुष विभाग ने की थी, कार्यशाला आयोजित की थी। वहाँ पे एक वैद्य सुशील दुबे जी है, वो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है, और वैद्य सुशील दुबे जी को मैंने सबके सामने कहा कि पहला मुझे ऐसा आदमी मिला जो मुझे वैद्य कहता मिला, नहीं तो सारे अपने आप को डॉक्टर समझ करके पैरासीटामोल और जो तमाम सारी दवाएं उसको प्रेस्क्राइब करने में खुशी समझते थे, अपनी चीज़ों को उनको ताकत महसूस नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत जैसे आज इतना पवित्र समय चल रहा है नवरात्रि का, जिसमें माँ दुर्गा जो शक्ति की प्रतीक है उस शक्ति की उपासना का वक्त चल रहा है और आज उसका सप्तमी है, तो इतने जो हमारा पूरे साल में जो नव दुर्गा का वक्त होता है जो सबसे पवित्र वक्त मानते हैं उसको, उस नव दुर्गा में आपने इसका शुरुआत की, तो ये भी नया शुरुआत आप करिए कि आप डॉक्टर की जगह वैद्य शब्द का प्रयोग करिए, उससे आपको ताकत मिलेगी। मैं दूसरा एक और बहुत अच्छा लगा मुझे इन चार लोगों ने, चाहे वो पहले सक्सेना साहब हो, उसके बाद आकांक्षा जी आई, आकांक्षा के बाद यादव जी आए, फिर उसके बाद मैडम शुक्ला जी ने आकर के अपनी बातें कही, और मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे और लोग बैठे होंगे, उनकी भी अपनी कहानियाँ होंगी, उनके भी अपने अनुभव होंगे, लेकिन कुछ अच्छे भी अनुभव होंगे, कुछ लोगों के बुरे भी अनुभव होंगे, ऐसा नहीं कि सब अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन अच्छे ज़्यादा होंगे, और अच्छे तब होते हैं जब सही तरीके से इलाज किया जाता है, जब उसका ज्ञान जो है सही से आपको मालूम हो, सही प्रकार से उपचार किया जाए, अच्छा होगा रिजल्ट निकले। और अगर कुछ फैक्ट्स जैसे कि हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम उसमें बहुत सारे क्वैक्स हैं, मुझे तो एक पुरानी घटना याद आती है, किसी के गले में वो सिक्का फंस गया था, तो एक डॉक्टर साहब ने, तो सो कॉल्ड डॉक्टर साहब, बाद में उनको जेल भेजना पड़ा, मैं उस जमाने में मुख्यमंत्री जी का प्रमुख सचिव हुआ करता था, वो पता चला एक डॉक्टर साहब ने उसके गले ही चीर करके उसमें से निकालने के लिए सिक्का निकालने, तो बच्चे की जानी चली गई, आपको गला चीर करके अगर सिक्का निकालेंगे तो उसका जानी चला गया, ऐसे बहुत सारे क्वैक्स होते हैं, उन क्वैक्स से निकाल करके उन्हें सही ज्ञान देना, जो वैद्य का जो ज्ञान है, जो BMS का जो सिस्टम है, जिसका आप सोचिए 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि हमारे भारत रत्न है, जो कि देश की बहुत बड़ी या जो विद्वान संस्कृति है हमारी, जो भारतीय विद्वान संस्कृति है उसके बहुत बड़े पुरोधा है, उन्होंने जब 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया, उन्होंने उसी में एलोपैथिक भी है और उसी में आयुष भी है, ताकि ये दोनों पद्धतियाँ कुल मिलाकर के तो हमारा उपचार करती हैं, हमें एक स्वस्थ जीवन का साधन देती है, वो स्वस्थ जीवन के लिए लोगों का तरीका अलग अलग हो सकता है, अगर वो मिल करके एक साथ देखें तो हो सकता है कुछ चीज़ में कहीं कुछ फ़ायदा हो, कहीं से कुछ और का फायदा हो। जैसे अभी अभी मुझे जब इनके त्रिपाठी जी के जो पंचकर्म सेंटर है उसको मैं जब देखने गया उसका उद्घाटन के बाद, वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक शुक्ला जी से, ये देखिए शुक्ला जी खड़े हैं, और शुक्ला जी ने मुझे बताया कि कोई मर्म तंत्र भी होता है, अब तक हमने एकुप्रेशर का नाम सुना था, एकुपंक्चर का नाम सुना था, लेकिन मर्म तंत्र के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने बताया कि कैसे शरीर में अलग अलग किस्म के मर्म हैं और इसकी पूरी जानकारी सुश्रुत ने, जो कि हमारे आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, सुश्रुत ने पूरा का पूरा उसको कोडिफाई कर रखा, डॉक्यूमेंट कर रखा, शरीर के इन मर्मों को अगर सही तरीके से अगर उसका उपचार किया जाए, तो उन्होंने बड़ी अच्छा उदाहरण दिया कि अगर पेड़ में आम लगा हो तो एक तो तरीका हो सकता है कि आम के पेड़ को ही हिला करके आप गिराएं, तो शायद अगर पका होगा तो गिर जाएगा, अगर पका नहीं होगा तो आप हिलाते हिलाते पेड़ को गिरा देंगे, आम नहीं गिरेगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पत्थर फेंके, अगर आपका निशाना ठीक रहा तो शायद पत्थर को लग जाएगा, और निशाना अगर नहीं ठीक रहा तो उसकी जगह पत्तियाँ गिरेगी, चिड़िया गिरेगी, कुछ और गिरेगा, आम नहीं गिरेगा, लेकिन निशाना सही रहा तो हो सकता कि आम गिर जाए या घायल होकर के गिरे, लेकिन आम गिरे। और तीसरा तरीका कि आप हाथ बढ़ा करके या जो गांव में लोग लगी लगा लेते हैं जिससे जा करके सीधे उसे उसमें फंसा करके आम को निकाल लेते हैं,
तो आप सीधे वहां तक पहुंच करके आम को निकाल लीजिए, वो तीसरा तरीका है। और इन्होंने बताया मर्म तंत्र जो है मुझे कि मर्म तंत्र मैंने जानबूझ करके शुक्ला जी में आपने अमृत का उदाहरण दिया, मैंने आम इसलिए बताया कि लखनऊ आम के लिए जाना जाता है, इसलिए मैंने आम बताया ताकि लोगों को समझना आसान होगा, आपने उदाहरण मुझे अमृत का दिया था। तो ये जो इन्होंने मर्म तंत्र के बारे में बताया बहुत अच्छा लगा, और मुझे जो मेरी जिज्ञासा हुई मैंने कहा कि मुझे ही करके दिखाइए, इतना जल्दी इस सब का असर नहीं पड़ता, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर सुश्रुत ने लिख रखा है, कोडिफाई कर रखा है, तो अगर उसके ऊपर हम रिसर्च करें, उसके ऊपर हम अनुसंधान करें, उसके ऊपर हम थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो हो सकता है कि इसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को निरोग बना सकते हैं। आपने बताया ऐसा कुछ ज्ञान है, मैं तो कहूँगा इस ज्ञान को और स्थिर करने की जरूरत है, और ज़्यादा इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। आपको जानकारी होगी, शायद कुछ लोगों को हो, कुछ लोगों को न जानकारी हो, आज हमारे देश में जामनगर आपने नाम सुना होगा, जामनगर को तो आपने नाम सुना होगा, उसको जो वहाँ पे रिफाइनरीज की वजह से जामनगर में एक WHO वर्ल्ड हेल्थ सेंटर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनके सौजन्य से ग्लोबल रिसर्च सेंटर बन रहा है फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो भारत की तमाम सारी जो पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, हमारा सिद्धा हो, ऐसी जो तमाम सारी हमारी जो ऐसी इंडिजिनस सिस्टम है उनके बारे में ग्लोबल रिसर्च सेंटर आज जामनगर में बन रहा है। और आने वाले समय में जो हमारे देश की ताकत थी, यहाँ के ऋषियों की, यहाँ के संतों की, यहाँ के मनीषियों की, यहाँ के मुनियों की, जिसके माध्यम से वो कितने किस्म की चीज़ें मुझे बताया, हमारे वैद्य त्रिपाठी जी ने बताया कि किस प्रकार से फिस्टुला है, या आपका बहुत पुराने पुराने किस्म के रोग, या मानसिक किस्म के रोग, बहुत सारे रोगों का इलाज आप पंचकर्म के माध्यम से, या और भी जो हमारे जो पद्धतियाँ बनी उसके माध्यम से, और अस्थायी इलाज कर देते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि इन चीज़ों को कोडिफाई करने के लिए, आवश्यकता है इन चीज़ों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश में आयुष्मान भारत का नाम आपने सुना होगा, आयुष्मान भारत के माध्यम से आज पूरे देश में एक स्वस्थ समाज बनाने का, एक स्वस्थ भारतीय बनाने का एक अभियान चला हुआ है। आज करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको स्वस्थ रहने के लिए, जो एक बीमारी लगती थी लोगों को तो बीमारी के माध्यम से उनका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता था, उनके अपने, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, लोगों को अपने बैल बेचने पड़ते थे, अपनी गाय बेचनी पड़ती थी, भैंस बेचनी पड़ती थी, अपने खेत गिरवी रखने पड़ते थे, गहने गिरवी रखने पड़ते थे, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद जाती थी। लेकिन आज आयुष्मान भारत के माध्यम से आयुष्मान कार्ड जो हमारे प्रदेश में भी है और देश में भी है, जो हमारे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अब हर एक को इलाज, वो गरीब आदमी आज स्वास्थ्य की वजह से नहीं मर सकता। लेकिन क्या हम अभी जो सक्सेना साहब बात कर रहे थे, दो किस्म की बात कर रहे थे, एक बात कर रहे थे समन का, दूसरा बात कर रहे थे संशोधन का। समन में जब बीमारी हो जाती है तब आप उसका इलाज कराते हो, सर्जरी कराते हो, दवा खाते हो, और उसके माध्यम से जैसे एलोपैथ में, वैसे आयुर्वेद में भी, उसी प्रकार से होम्योपैथ में भी, उसी यूनानी में भी, कि तमाम किस्म की दवाएं खा करके उस बीमारी से आप अपने को मुक्ति पाते हो। तरीका सोचने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन दूसरा जो तरीका उन्होंने बताया संशोधन का, संशोधन यानी क्यों नहीं जो पित्त, वात और हमारा कफ, ये जो तीनों जो है हमारे जो तीन कर्म हैं, इन तीनों को कैसे हम संतुलित कर दें जिससे बीमारी न पड़े, और ये संभव है, और उसको कहते हैं आरोग्य रहना। अपने जीवन की पद्धति में कैसे उन चीज़ों को बराबर कर सकते हैं, और इसका ज्ञान हमें इसके माध्यम से मिल सकता है, बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो इस ज्ञान को, जो हमारे देश की ताकत है, उस ताकत को हासिल करके आज सैकड़ों की संख्या में हमारे प्रदेश में, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन मुझे ख्याल है कई हजार हम लोग आरोग्य केंद्र बना रहे हैं। उस आरोग्य केंद्र के माध्यम से लोगों को उन्हें योग कैसे जोड़ते हैं, उन्हें स्वस्थ रहने का तरीका बताते हैं, बीमार होने की जरूरत नहीं है। अगर बीमार पड़ गए
तो फिर आपका इलाज होगा, लेकिन बीमार रहने से बेहतर है कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने की जीवन कला और ऐसे तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों को बताई जाती हैं। तो अगर ये जो बात शुक्ला जी ने बात की यहाँ पे मर्म तंत्र के बारे में, और बहुत सारे ज्ञान होंगे, सवाल है कि हमने सारे ज्ञान के ऊपर पर्दा लगा रखा, उसके ऊपर हमने ढक रखा उन चीज़ों को। चाहे आपके पास सोने की खान हो और सोने की खान के ऊपर आप बैठे हों, लेकिन पता ही नहीं हो कि सोने के खान पर बैठे हैं तो आप बने रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर एक बार खुदाई करके देख लें तो शायद वो सोने की खान सोना निकलेगा और फिर आप अमीर हो जाएंगे, फिर आपको जो है किसी चीज़ की किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा जो ज्ञान है आयुष विज्ञान के बारे में, जो हमारा ज्ञान है, नाम ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो कि हमें ऐसा वेद जो कि आयु बढ़ाता है, जो कि आपके आपको अच्छा जीवन देता है, और उस जीवन के लिए जो हमारे तमाम सारे वैद्य लोग हैं, तमाम किस्म की जड़ी बूटियां जो नेचर ने दे रखा, प्रकृति ने दे रखा, केवल पहचानने की बात है। और जड़ी बूटियां जरूरी नहीं है कि वो सारी जड़ी बूटियां केवल हिमालय पर्वत पे ही हो, जड़ी बूटियां हमारे आसपास में भी होती है, जड़ी बूटियां आपके घरों में भी हो सकती है, जड़ी बूटियां आप अपने खुद के वाटिका में भी पैदा कर सकते हैं और उनके माध्यम से एक स्वस्थ जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे शुभारंभ किया गया इस शुभ तिथियों में, जो कि हमारा नवरात्र का इतना शुभ तिथि है, मैं तो अपनी तरफ से वैद्य जी को बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ कि आपने समस्तीपुरम में यह सुविधा लाई, और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये तो शुरुआत है और ये शुभ शुरुआत है, इसके आगे तो आप बढ़ते जाइए। अब आप जो जैसे आपने देखा कि मैंने एक लिफ्ट के लिए भी व्यवस्था करी है, तो मैं कहूँगा अगला मंदिर भी ऊपर आए, उसके बाद का भी मंदिर आए जिससे लिफ्ट से आप ऊपर जाए, क्योंकि कुल मिलाकर के एक ही भाव है कि हमें देश में लोगों को स्वस्थ नागरिक बनाना है, सबको सर्वे संत निरामया, सबको निरामय काया देनी है, सबको सुखी देखना है। और वो जब हम करेंगे तो लोग पूरी, चाहे वो विद्यार्थी हो, बिटिया आकांक्षा ने बताया पढ़ रही थी और उसके मन में तकलीफ आई कि देखो कैसे हमारा कैसा चंद्ररोग हो गया, और शायद वो किसी एक डिप्रेशन की भी शिकार हो सकती थी, हो सकता था कि एक हीन भावना की शिकार हो सकती थी, लेकिन उससे उसको मुक्ति मिला और वो फिर पूरी ताकत के साथ जो उसकी क्षमता भगवान ने दी है उस क्षमता के मुताबिक वो समाज के लिए अपना सब कुछ दे सकेगी। ऐसे हर भारतीय को स्वस्थ भारतीय, समर्थ भारतीय बनाने के लिए ये हमारी देश की पद्धतियाँ, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है, लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी अफोर्डेबल व्यवस्था, इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और उसके लिए जो आपने त्रिपाठी जी ने शुरुआत की, मैं वैद्य जी को अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये फले फूले और आगे बढ़े, और माँ शक्ति के जो नवरात्र के दौरान आपने किया वो शक्ति आपको मिले, जिससे कि आप समाज की सेवा कर सके, लोगों को स्वस्थ रख सके, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए आप संबल प्रदान कर सके। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।